है तुम्हारा, डरा के धमका के मार के? शर्म नहीं आई तुम्हें? आइए बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। यहाँ पे एक मोमेंट है, आप सानवी का हाथ पकड़ के अपनी ओर लाओगे। हेलो मैम, वेलकम टू जज शोबिज। तो मैम, तो पहले तो हम सीन के बारे में जानना चाहेंगे कि श्रद्धा काफी गुस्से में है, उनको काफी गलत फहमी सी हो गई है, तो आखिर सीन के बारे में बताइए क्या चल रहा है। तो अभी ये फिलहाल ये चल रहा है कि सानवी काफी गुस्साया हुआ है जी, और अभी एक न्यू कैरेक्टर की जो एक डायमा की तरह आई है सॉल्व करने ओके। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रीमा अच्छी है कि बदमाश है, तो अब सानवी बताएगी कि इससे क्या लग रहा है। तो सानवी को डांट क्यों पड़ रही है? मुझे डांट नहीं पड़ रही, मुझे मैं वो कहानी बना के मतलब कहानियाँ से बात समझानी थी, तो जो मेरी मम्मी है ना श्रद्धा, हाँ वो बोल रही थी कि सानवी चलो आ जाओ, मेरे साथ वो कुछ अलग सा ही व्यवहार। मैम जैसे कि आपके शो में 3 दिन बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ काम करके कैसा लग रहा है? कि बच्चे काफी परेशान भी करते हैं, मस्तीखोर होते हैं, तो परेशान होते हैं जी 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 जी। मैम वैसे तो आपको शो में माँ का रोल मिला है, लेकिन आपका लुक जो है वो कमाल का है, काफी मॉडर्न मॉम दिख रही है। आपको ये लुक कितने पसंद है? मुझे पसंद है क्योंकि दादी बना दिया है, मॉडर्न दादी लग रहा है। जी 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 ओके मैम, जाते जाते आपके दर्शकों को लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? यस, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज किस्मत की लगनों से और शिवालय को देखते रहिए और हमारे शो को सुनते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, एक बाइट आई चैनल आई दीजिए आपका नाम एंड यू वॉचिंग जस्ट शोबिज। यस, मैं तनु विद्यार्थी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट शोबिज। थैंक यू सो मच मैम। रीमा आपकी लाइन देखिए, मेरी तरीका पड़ती है।
आ बच्चे बच्चे रेडी रखना, ऑन एक्शन आ जाना। पर जब इनकी माँ ही नहीं चाहती तो मैं कैसे? लास्ट का आंसू पूछिए, नोट कर लीजिए। आंसू पूछा को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोविज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।